राष्ट्रीय जनता दल का आज अपना 27वां स्थापना दिवस मना रही है। आज ही के दिन पार्टी का गठन हुआ था। आज नेता से लेकर कार्यकर्ता स्थापना दिवस को लेकर काफी उत्साहित है। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार के साथ साथ झारखंड में भी धूमधाम से आज कार्यकर्ता स्थापना दिवस का जश्न मना रहे हैं। रांची में स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित की गई है, जिसमें काफी संख्या में पार्टी पदाधिकारी समेत कार्यकर्ता शामिल हुए। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस की बधाई दी है। संजय यादव ने कहा, आरजेडी अपने स्थापना दिवस के मौके पर संकल्प लिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में सम्मानजनक सीटों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि एक एमएलए होने के बावजूद पार्टी प्रदेश में मजबूत स्थिति में है। आने वाले समय में इससे भी ज्यादा मजबूती के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव में परचम लहराएगी। उपाध्यक्ष संतोष यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी अभी से गांव से लेकर पंचायत स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुट चुकी है। आज पूरे देश है, झारखंड के प्रत्येक जिलों में पार्टी कार्यालय में भी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जहाँ हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित है। आज इस स्थापना दिवस में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जो हमारे झारखंड प्रदेश से आए हुए हैं, सब लोग यह संकल्प लेंगे कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी पार्टी के जिस उद्देश्य से वंचित समाज के लोगों को उत्थान के लिए, सोशल जस्टिस के लोगों के लिए, बेजुबानों के लिए इस पार्टी का गठन हुआ था। और ये पार्टी का गठन देश में फिरका परस्त ताकत से लड़ने के लिए इस पार्टी का गठन हुआ था। आज उसी उद्देश्य से पार्टी आज हमारे यहाँ संकल्प लेगी 2024 में भारतीय जनता पार्टी को भारत से विदाई करना है। देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल का बिहार झारखंड 27वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पार्टी का 27 बरस हो गया, यानी पूर्ण रूप से बहुत आउट हो गया है, जवान बोलिए सियान हो गया। और इस 27 वर्षों ने बहुत तरह का चढ़ाव उतार बनते बिगड़ते सरकार आई और पार्टी बिहार हो या झारखंड हो, ये दोनों जगह गठबंधन की सरकार है और दोनों जगह पर मजबूती से सरकार काम कर रही है और झारखंड के मजबूत शासक बनाने के लिए हम लोग बिहार से जो हिस्सा लेना चाहता है झारखंड में, हम लोग उसको जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक पहुँचाने काम करते हैं। आने वाला 2024 लोकसभा का चुनाव है और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जो लड़ाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।